నేను మాత్రం మీ అక్కతో కళ్ళలో ఉంటానా, నేను కూడా షాక్లోనే ఉంటాడా? మేరా నామ్ దేవా, దేవా సింగ్ సోడి, ధౌల్పూర్ సే ఆయా హూ. జబ్ మే బాల్ ఫేకూ తో తీనో డండియా దీ ధజ్జియా ఉడా దూ. देखो तजी उड़ गई. तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा, तब इनकी फिल्में देखता था. जी आपका तो कमाल है, आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हैं. मेरे तो गाँच आ चुके हैं यार. रश्वतर के मूवी में मेरे को अच्छा कैरेक्टर आया मस्टैंग. rangakhabar.com sabai ranga tapai sanga. Won't mind. I think we should start with Sunil sir. Your dialogue from movie Pushpa. They want to hear that dialogue. Open the mic. Mera dialogue hai Pushpa mein. Nenu matram మీ అక్కతో కళ్ళలో ఉంటానా, నేను కూడా షాక్లోనే ఉంటాడా? ప్రదీప్ సార్, విల్ యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ రిసైట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ డైలాగ్స్ ఫర్ అవర్ మీడియా. సునీల్ భాయ్ కా డైలాగ్ జబ్ తక్ మే కుచ్ సమజ్ పాతా తబ్ తక్ ఖతమ్ హీ హో గయా. आपने लगान फिल्म देखी होगी सबने, आई एम वेरी श्योर. और सरफरोश फिल्म भी देखी होगी, 25 साल पूरे हो उसके. तो लगान फिल्म में, अगर थोड़ा पुरानी फिल्म है, 20 साल हो चुके, तो मैं उसमें सरदार जी का रोल प्ले किया है, बॉलर हूँ मैं और फौजी हूँ. नेपाली भाई बहुत फौजी होते हैं, मैं भी फौजी हूँ फिल्म में. मेरे एक्चुअल माई फादर वॉज ऑल्सो फ्रॉम आर्म सर्विसेज. तो उसमें मैं जब शुरुआत में आता हूँ तो बॉलिंग करता हूँ, बॉल डालता हूँ, स्टंप उड़ जाता है. अगर सीन याद है आपको तो मैं उसका दो लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो. तो मेरा नाम देवा, देवा सिंह सोढ़ी, धौलपुर से आया हूँ. तो कोई मुझसे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि ये खेल मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से खेल चुका हूँ. जब मैं बॉल फेंकूँ तो तीनों डंडियाँ दी धज्जियाँ उड़ा दूँ. देखो धज्जी उड़ गई. जब मैं बॉल खेलूँ तो बॉल नू चीर के रख दूँ. अंग्रेजा नाल मैनू नफरत हैगी, मुझे एक मौका दीजिए, इनके इनको ठिकाने लगा दूंगा. ये बाद में एडिट हो गया वैसे. तो भाइयों यही थोड़ा बहुत याददाश्त थी. थैंक यू सो मच. सो वी हैव थ्री विलेंस ओवर हियर, वी आल्सो हैव प्रशांत सर, सो वी आल्सो वांट टू हियर वन डायलॉग फ्रॉम वन ऑफ योर मूवी, देन वी विल स्टार्ट द क्यूएनए राउंड. माइक टू प्रशांत सर. अब हमें प्रदीप रावत सर को कुरा सुनौ. प्रदीप सर, उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम नमस्कार. ये बहुत ही अच्छा मौका भाई साहब ने दिया है और इसके लिए हम सब आभारी हैं. हमारी फिल्म भी इसके लिए इनकी आभारी है. और यहाँ सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा मैं सुन रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फिलहाल इस फिल्म की प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर का रोल कर रही हैं और साथ में ये हीरोइन का रोल भी कर रही हैं. और मैंने इनके साथ कुछ और फिल्में भी की हैं जिसमें भी फिर से ये हीरोइन रही हैं. इस फिल्म में मैं इनका फादर का रोल कर रहा हूँ. पर यहीं पे क्या हुआ है कि हमारे डायरेक्टर साहब का पेट गजनी के विलन से भरा नहीं, तो वो ढूंढ के पुष्पा के विलन को भी लेके आ गए हैं. तो सुनील भाई के साथ काम करके फिर से बहुत ही अच्छा लगा है. सुनील भाई इज ए एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर.
ही वॉज फॉर तेलुगु फिल्म. ये एक अभी तक आपने सिर्फ एक बाल कलाकार का नाम ही सुना है नीता जी का, पर सुनील भाई ने भी बहुत यंग टाइम से सिनेमा में अपना योगदान दिया रहा है. और ये इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो गए थे, मुझे याद आ रहा है इनके साथ मैं इनकी दूसरी या तीसरी फिल्म जब ये हीरो रहे हैं. ये कॉमेडियन थे, कॉमेडियन से विलन बने, विलन से हीरो बने. तो वो जब हीरो इनकी जिंदगी की शुरुआत थी उसमें मैं इनके साथ, ये हीरो थे मैं विलन था उस फिल्म में. और नीता जी के बारे में क्या कहूँ, हम सभी सुन रहे हैं कि ये सैकड़ों सालों से बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, कमाल के बाल कलाकार हैं. तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा तब इनकी फिल्में देखता था. जी आपका तो कमाल है, आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हैं. मेरे तो गाँच आ चुके हैं यार. मैं इस टीम के साथ पिछले करीब कोविड के बाद से जुड़े हुए हैं और ये मेरी डायरेक्टर सर के साथ तीसरी करीब फिल्म है और नीता जी के साथ दूसरी फिल्म है. मैं अब डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि नेपाल का ये कोहिनूर है, नेपाल का. इनके बारे में मुझे पता नहीं है कि मीडिया को या आप सब लोगों को कितना पता है, पर जो मुझे पता है इनके बारे में वो आँखों को चकाचौंध करने वाला है. ये शायद नेपाली फिल्मों में एक स्टंट मैन से स्टंट मास्टर बने होंगे. इनका बचपन, इनका बाल समय आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीता है. जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में रहते थे और वहीं से इनको तेलुगु फिल्में देख के फिल्मों का चस्का चढ़ गया. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना फ्यूचर फिल्मों में ही रखूंगा. और इनका फ्यूचर इतना शानदार रहा है कि एक स्टंट डायरेक्टर से नेपाली फिल्म के ये यूएस में चले गए, अमेरिका में चले गए. वहाँ जाके इन्होंने जो करतब दिखाया, बड़ी बड़ी फिल्मों के जो ये प्ले करते हैं, वहाँ क्या होता है कि बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों के लाइव प्ले होते हैं, शो होते हैं. तो उसमें हमारे भाई साहब ने इतना गजब का काम किया, इतना गजब का काम किया कि इन्हें सिर्फ एक साल में ग्रीन कार्ड मिल गया, जो कि मैं समझता नहीं हूँ कि हमें इतनी आसानी से किसी को मिलता होगा. कमाल है इनका टैलेंट का. इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की एजेंसीज ने, सब ने इतना पसंद किया कि इनके लिए स्पेशल स्टेटस बना के इन्हें वो चीज दी गई. पर इनका क्या है कि शरीर अमेरिका में है, मन इनका नेपाल और इंडिया में है. शरीर से बेशक वो वहाँ है, जब भी मौका मिलता है हिंदुस्तान की हिंदी फिल्में या अब नेपाली फिल्में करने के लिए ये दौड़ के चले आते हैं. कल रात को मुझे फोन आया कि शूटिंग करनी है, तो मैं तो चलिए बॉम्बे से यहाँ फ्लाइट लेके आ गया. भाई साहब यहाँ शूटिंग शुरू हो गई तब तक फ्लाइट में बैठे हुए थे, वहां से कंट्रोल कर रहे थे कि इसको ये करा दो, इससे वो करा दो. हमने कहा कमाल है यार, ये भी सच ए डेडिकेटेड पर्सन, फैंटास्टिक, इट इज अमेजिंग कि इतना खूबसूरत दोस्तों के साथ मिला है. और हमारे फिल्म के जो हीरो हैं हरी, वो भी अपने आप में एक नायाब इंसान रहे हैं. इन्हें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ही वॉज अवॉर्डेड बाय नासा यंगेस्ट साइंटिस्ट फॉर नेपाल. सर कमाल है आपका सर. तो इतना शानदार लोगों का योगदान है इसमें. बाकी के एक्टर, बड़े बड़े एक्टरों के नाम तो आपने सुन ही लिए हैं, अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विजयादशमी पे हम सब इस फिल्म का विजय उत्सव मनाएंगे. ये मेरी प्रभु से कामना है और आई एम श्योर हमारे महादेव, हर हर महादेव हमारी विनंती को जरूर एक्सेप्ट करेंगे. हर हर महादेव, हर हर महादेव. योर एक्सपीरियंस सर. ए माइक है ना जी, मैं बड़ा माइक टेस्ट नहीं है, सिंपल मैन, सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू.
रश्वधर का मूवी में मेरे को अच्छा कैरेक्टर आया. फर्स्ट टाइम आई केम हियर. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू ऑल थैंक्स वही बिकॉज ऑल तमिल मूवीज, तेलुगु मूवीज, हिंदी मूवीज, यू एनकरेज्ड अलॉट एंड यू मेड ऑल रीजनल फिल्म्स नाउ इंडियन मूवीज, पैन इंडियन मूवीज, यू मेड दैट. सो थैंक्स टू युवर बिग हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एक्चुअली हरि एंड नेताजी दे आर आई नेवर बिलीव आई केम हियर. So much hospitality I got from them, and they are like friends. They are treating us like in their family member, like that they are treating us. So and Pradeep Rawat sir and Brahmanandam sir, Ali sir, all are doing in this movie, and Kabir Singh also is my friend also. So all from every corner of India came here to do this movie actually. Because of your big heart only, it became possible. So, and Dashame, all come to theaters. Why? Because we are coming to near you to celebrate Dashe. So, please, we are all your family like that. Come to the theaters. We'll celebrate Dashe in our theaters. Okay, all the best. Wishing you all success for all of us. Thank you, Sunil sir. Thank you so much. And in this situation, I supposed to tell Kabir ji, a DOP. He is my good friend actually. Thanks to him also. He selected me, and I am one of the member in this. Thank you, ji. Thank you so much, ji. Thank you, ji. Thank you very much. All of you, thank you so much. Thank you so much. All the best forever.